मेरा नाम ऋषि भारद्वाज है। ये फिल्म का मैं राइटर डायरेक्टर हूँ। मैंने करीब ये फिल्म एक साल तक इसकी स्क्रिप्टिंग पे काम किया हमने। उसके बाद जब इसको डिसाइड किया बनाने का, तो उसके बाद हमने 3-3.5 महीने का ऑडिशन रखे। ऑडिशन के बाद हमने 2-2.5 महीने की वर्कशॉप करी थी, और वर्कशॉप करते टाइम पे जो हमने ऑडिशंस किए थे, उसमें हमने 50 लोगों को सेलेक्ट किया था 5 कैरेक्टर्स के लिए। 2.5 महीने बाद हमने उनको बताया कि इन 50 लोगों में से कौन से 5 कैरेक्टर्स हैं। 2.5 महीने तक हम करते रहे वर्कशॉप, कि जो एक कैरेक्टर के लिए जो सबसे बेस्ट कास्टिंग थी, उसके लिए हमने 1 या 2 को ऑप्शन नहीं रखा था। हर कैरेक्टर के लिए हमारे पास कम से कम 7 से 8 ऑप्शंस थे। तो सारे ऑप्शंस को बाद हमने इसको फिल्म को स्टार्ट किया था, और लास्ट ईयर हमने कोई 11 अक्टूबर को फिल्म का पहला शेड्यूल स्टार्ट किया था, जो अभी लास्ट शेड्यूल जो है हमारा दीपावली के बाद जाने वाला है। बॉलीवुड जिंदाबाद इसलिए रखा है कि बॉलीवुड में बेसिकली हम सारे लोग जो है वो आउटसाइडर्स हैं। जो भी यहाँ आते हैं काम करने आते हैं, हम सारे आउटसाइडर्स हैं। इसलिए हम लोग मुंबई आए हुए हैं या कहीं पे भी जाते हैं, क्योंकि हमको फिल्मों से प्यार है। हमको फिल्में बनाना है, किसी को फिल्मों में एक्ट करना है, किसी को फिल्मों में म्यूजिक देना है। तो हम सारे ही बंदे आज बॉलीवुड में बैठे हुए हैं। बॉलीवुड एक ऐसी जगह है कि जब भी देश को बॉलीवुड की ज़रूरत पड़ी है, चाहे वो कोई भी वॉर हो या कहीं पे बाढ़ आई हो या देश में कोई भी आपदा आई हो, बॉलीवुड हमेशा आगे रहा है। बॉलीवुड किसी भी कंडीशन में, आज तक जब पूरे देश में मंदी थी, तब भी बॉलीवुड की फिल्मों ने 2000 करोड़ का व्यापार किया था। ये बड़ी चीज़ थी उस टाइम भी, जब पूरे लोग कह रहे थे नोटबंदी के बाद के देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, ये हो गया वो गया, उस टाइम भी बॉलीवुड की फिल्में 2000 करोड़ का व्यापार किया था। फर्स्ट टाइम था जब हमारी फिल्में 300 करोड़ से सीधा 2000 करोड़ पर पहुंची थी। तो इसलिए बॉलीवुड हमेशा से जिंदाबाद रहा है। मैम आप बताइए, आपका किस तरह का कैरेक्टर है इस फिल्म में, थोड़ा सा बताइए। मेरा कैरेक्टर का नाम पूजा है, एंड ये बेसिकली जो सर ने हमारे फिल्म में, जो सर राइटर डायरेक्टर है, तो मैं फिल्म में एक राइटर और एक डायरेक्टर हूँ, और मैं फिल्म बनाना चाहती हूँ। और पूरी जर्नी दिखाई गई है कि फंड्स नहीं है, और यहाँ तक कि इतना कि हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं कि रहने खाने के भी पैसे नहीं हैं, पर तभी भी हमें फिल्म बनानी है और लोगों से मिलना है और उनको कन्विंस करना है कि हमें अपनी फिल्म बनानी है। तो ये पूरी जर्नी है, और इट्स वर्थवाइल जर्नी। मैम आप बताइए, आपका नाम बताइए, किस तरह का कैरेक्टर है? मेरा नाम चांदनी शर्मा है, कैरेक्टर का नाम राधा है। ये एक स्मॉल टाउन गर्ल की स्टोरी है, जो मुंबई आती है स्ट्रगल करने के लिए और एक्टिंग करना चाहती है, पर उसका डिक्शन खराब रहता है, उसकी वजह से उसे कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो इसकी स्टोरी है। और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सारे एक रूम में रहना, ये वो बहुत सारी स्टोरी है जो हर एक मोड़ पे स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उसकी ये स्टोरी है, तो उससे सब निकलना जो भी है। सर आप बताइए, आपका किस तरह का कैरेक्टर इस फिल्म में, आपका नाम बताइए। I am रोहित कुमार, सो आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ रघु इन दिस मूवी। आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ रघु इन दिस मूवी, और वो एक सिंगर है, एक म्यूजिक डायरेक्टर है, और वो एक रियलिटी शो के टॉप 10 में था, बट ही इज लॉस्ट इन टू लाइमलाइट आफ्टर दैट। तो ही इज स्ट्रगलिंग अगेन टू फाइंड द वर्क फॉर हिमसेल्फ, और फिर वो कैसे ट्राई कर रहा है, कैसे किन स्ट्रगल्स के थ्रू जाता है, तो वो सब इस बॉलीवुड जिंदाबाद में दिखाया है। सो कैरेक्टर इज अमेजिंग। सो पहले तो हमारे को कास्ट करने के पहले, और हमें सेट पे पहुंचने के 5 दिन पहले पता चला कि हम शूट कर रहे हैं 5 दिन बाद। उस पे भी कोई हमें बिलीफ नहीं था कि हम शूट करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं, कि क्या होने वाला है। एंड ऋषभ सर वॉज ऑल्सो सीमिंग लाइक वन ऑफ दोज पीपल जो बोल रहे हैं हम फिल्म बनाएंगे पर आई डोंट नो कब बनाएंगे। तो हमारे को तो नहीं लग रहा था कि कुछ बनने वाला है, हमारे को स्क्रिप्ट रीडिंग पे मिल रहा है और हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, दैट्स अबाउट इट। बट सेट पे
हमने वर्कशॉप साथ में करे तो हम मतलब लाइक इन रियल लाइफ ऑल्सो वी ऑल बिकम लाइक फ्रेंड्स. सो जब भी हम शूट करते हैं तो उसके पहले हम थोड़ी देर बैठ के हम साथ में ही खाते थे, साथ में ही रहते थे सेट पे. जैसे हमें यस या हाँ. सो जब भी कोई नहीं होता था तो हम लोग पूछते थे ये क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आई है. सो या एंड बाकी हमारा हमने आउटडोर शूट किया सो दैट वाज आल्सो लॉट ऑफ फन. कभी आंख में लग गया, कभी फुटवेयर गलत था, कभी कपड़े नहीं सही थे, कभी बाल नहीं सही लग रहे, कभी हाँ मैं हॉस्पिटलाइज हम दोनों हॉस्पिटलाइज भी हो गए. बट इट वाज अ लॉट ऑफ फन, इट वाज वर्थ इट, हमें मजा आया. बस सेम ही स्टोरी, सेम सेम साथ ही में थे. स्टार्टिंग में हमने साथ में किया, वर्कशॉप करा, फिर स्क्रिप्टिंग पे हम लोग ने सारे बहस किए, बहुत कुछ बहुत किया. होने के बाद में फिर हम लोग ऑन फ्लोर पहुंचे, फिर वहां पर भी बहुत कुछ चला. यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा था जब हम लोग शूट कर रहे थे, लेकिन जब हम लोग चंडीगढ़ गए, ओ माय गॉड, उतनी ठंडी में और बिना जैकेट का, और हम लोगों ने सब मिलकर शूट किया, मैं भी बेहोश हो गई, ये भी बेहोश हो गए, पता नहीं क्या क्या हुआ, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग रहा. उसके बाद ही फाइनली फिल्म हुई, वहाँ पे कंप्लीट करा हम लोगों ने जैसे वैसे. सब लोग हमारे फिल्म में बहुत डेडिकेटेड हैं, सब ने बहुत अच्छे से काम किया, सब बहुत एफर्ट लगाए हैं. तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी बंदा नहीं था जिसने एफर्ट नहीं लगाया, मेहनत बहुत की. सर आपसे जानना चाहेंगे प्रोड्यूसर, इस फिल्म का प्रोड्यूसर कौन है, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें. और एक दिलचस्प आपसे वाक्य जानना चाहेंगे कि ये लोग सब टाइम पे आते थे सेट पे, कोई परेशान तो नहीं करता था, या फोन पे लगे रहना, बॉयफ्रेंड के साथ लगे रहना, ऐसा ऐसा कोई नहीं? नहीं, नहीं मैं बताता हूँ, सच बोलना है बॉयफ्रेंड के सच बोलना है नहीं, हम ऋषभ सर से परेशान थे. प्रोड्यूसर्स जो है विशु जी है, उनका पूरा नाम विशु बहांगस है, और वो इंडस्ट्री के जाने माने फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं. उन्होंने करीब 100 के ऊपर फिल्म्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं. कलकत्ता के जाने माने फिल्म वितरक हैं वो, और ऑल इंडिया में जो जुरासिक पार्क जो फिल्म आई थी वो उन्होंने ही ऑल इंडिया में की हुई थी. उसके अलावा भी उन्होंने ढेर सारी फॉरेन की फिल्में इंडिया में लेके आए हैं बेसिकली. तो करीब 2 साल पहले हम किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, पर वो प्रोजेक्ट क्योंकि अब्रॉड का था तो वो प्रोजेक्ट इतनी जल्दी जा नहीं रहा था फ्लोर पे, तो हमारे पास 1 साल का टाइम था उसके लिए. तो विशु सर ने मुझे कहा कि तुम 1 साल के अंदर कोई ऐसी कहानी बनाओ जो यंगस्टर्स को लेके हम बना सकें, और ये तुम्हारा टाइम जो है गैपिंग भी इतना चला जाएगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि 1 साल में करूंगा क्या, फ्री तो बैठूंगा नहीं मैं. तो उन्होंने मुझे कहा तुम छोटी एक कहानी बनाओ जो यंगस्टर्स को लेके बनाए. तो मैंने करीब 7 या 8 दिन में ये कहानी लिखी पूरी कंप्लीट स्क्रिप्ट. 8 दिन में मैंने पूरी स्क्रिप्ट करी, 8 दिन तक मैं घर से नहीं निकला, रूम से नहीं निकला. स्क्रिप्ट करने के बाद जब मैंने उसको फर्स्ट ड्राफ्ट सुनाया तो उन्होंने कहा फाइनल है ये, हम करने वाले हैं, क्योंकि उसके पहले 2 कहानी और जो वन लाइनर डिसाइड की हुई थी तो वो बनी नहीं थी. पर ये कहानी जब मैंने उनको बिगनिंग टू एंड सुनाई तो उन्होंने कहा कुछ चेंजेस है, मैंने सर इसमें कोई चेंजेस नहीं है. पहले ये कहानी जो थी, पहले ये बेसिकली 4 बडीज की कहानी है, तो पहले मैं इसको युवा जैसा 4 अलग अलग कहानियां बना के लास्ट में उनको एक जगह लाने वाला था. पर सर ने मुझे सजेशन दिया कि तुम उनको पहले ही एक स्पॉट पे ले आओ जिसमें उनकी जो फ्रेंडशिप जो है आगे तक नजर आए. फिर मैंने वापस कहानी पे काम किया, हमने स्टार्ट किया और फिर ऑडिशंस स्टार्ट किए. ऑडिशंस के बाद सारी चीज़ें करी, फिर जितने भी हमने करी 50 के आसपास जो आर्टिस्टों को शॉर्टलिस्ट किया हुआ था, क्योंकि मुझे जो कैरेक्टर चाहिए था वो बेसिकली वही चाहिए था जो रियल लाइफ में. मुझे वो वैसे एक्टर्स नहीं चाहिए थे जो ना मतलब अपने अंदर एक जो नाटकीयपन दिखा रहे हैं जो प्लास्टिक से. तो करीब हमने 50 आर्टिस्टों को शॉर्टलिस्ट किया, उनके साथ हमने 2.5 महीने तक वर्कशॉप की. मेरा ब्रदर कुछ कास्टिंग डायरेक्टर है, तो हर एक बंदे को लगता था मैं कैरेक्टर, मैं फिल्म में हूँ. जहाँ भी उनका जोश कम होता था तो हम पीछे से बोलते थे दूसरा आगे बाजी मार रहा है, दूसरा आगे बाजी मार रहा है. तो जो बिग बॉस का जो अंदर का आप जो गेम जो देखते हैं, बोलते हैं बने रहने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सेम हुआ. फिल्म स्टार्ट होने के 8 दिन पहले हमने बताया आप और आप फाइनल हो, ये डेट से शूट स्टार्ट है और अभी आपके कॉस्ट्यूम्स ट्रायल होंगे. और जब फिल्म में ये लेट आने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि हमको घर ही नहीं जाने देते थे, सेट पे ही रहो, जो करना है सेट पे करो, जहाँ भी जाना है सेट पे करो. मोबाइल्स किसी के अलाउड नहीं थे, कोई आपको किसी भी आर्टिस्ट के मोबाइल में किसी चीज़ में फिल्म की आपको एक हमने फोटो भी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट रूल थे वहाँ पे.
तो फिल्म अगर हम 12 घंटे शूट कर रहे हैं तो 12 घंटे आप काम करो, 13वां घंटे में आपको जिससे मीटिंग करना है जो करना है वो करो, पर सेट पे आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा जो स्ट्रिक्ट रूल था, चाहे आप यहाँ शूट करो, चाहे चंडीगढ़ शूट करो, चाहे आप शिमला शूट कर रहे थे जब वहाँ पे स्नोफॉल हो रही थी, जब ये सब बेहोश गिरते जा रहे थे क्योंकि बर्फ में, वहाँ पे एक ही रूल था भाई आपको 12 घंटे की अगर शिफ्ट है तो 12 घंटे आपको प्रॉपर काम करना पड़ेगा। सर अगर रिलीज की बात करें तो कब तक रिलीज होने की संभावना है? इसका रिलीज हम जनवरी में प्लान कर रहे हैं बेसिकली, अभी कैलेंडर देख के हमने जनवरी की ड्यू डेट्स फाइनल की हुई है, जनवरी या फेब में, क्योंकि आजू बाजू बड़ी फिल्में आ रही हैं तो उनको देख के भी करना पड़ेगा। वैसे हम सोच रहे हैं कि इसका जनवरी और फेब के बीच में हम इसको प्लान करेंगे। और बतौर अगर निर्देशक बात करें तो किस तरह की रणनीति आप आगे देखते हैं, किस तरह की रणनीति पे आप आगे काम कर रहे हैं? अभी तो ये पहली फिल्म है तो मैं, हम तो सारे ही बंदे क्योंकि सबकी पहली फिल्म है तो सारे जी जान लगाए हुए हैं, तो दूसरा इनको भी अभी तक एक साल से किसी ने दूसरा काम नहीं किया हुआ है, इन्होंने अपने बाल बढ़ाए हुए थे तो जस्ट अभी इनका पार्ट खत्म हुआ उसके बाद इन्होंने अपनी कटिंग करवाई हुई है, वरना एक साल तक इन्होंने अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन की हुई थी पूरी। तो ये सारा हमने एग्रीमेंट्स में लिखा हुआ था कि स्ट्रिक्ट रूल्स थे कि जब तक फिल्म कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक आप अपनी कंटिन्यूटी नहीं मिटाओगे, चाहे आपके बाल कैसे भी हों। तो जस्ट अभी इसने अभी 4 दिन पहले ये बाल कटवाए हुए हैं, एक साल तक सर मैं कहीं ऑडिशन नहीं दे पा रहा हूँ, सर कोई दूसरा काम नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने कि पहले एक कैरेक्टर पे फोकस करो फिर दूसरा काम करना, तो सिंपल सा पैटर्न था कि भाई एक वक्त पे एक काम। प्रीति आगे और अभिनेत्री आप किस तरह की फिल्में करना चाहती हैं, क्या क्या आपका चॉइस क्या है? फर्स्टली आई एम वेरी ब्लेस्ड टू डू दिस प्रोजेक्ट बिकॉज आई थरली बिलीव इन इट, तो एंड दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंट एंड वेरी क्लोज टू ऑल आर हार्ट्स बिकॉज हमने हमारे फिल्म में जो भी दिखाया गया है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमने जिया है उसको एक्चुअली। इनफैक्ट अभी भी जब हम कुछ बात करते हैं, कभी ऑडिशन के करते हैं या कभी सर कुछ फिल्म को लेके बात करते हैं, तो लगता है कि कुछ एक फिल्म का डायलॉग ही दे रहे हैं बिकॉज हमारे सीन्स ऐसे हैं। मुझे कंटेंट करना है, गुड सिनेमा करना है, सिनेमा विच हैज़ मीनिंग एंड आई थिंक जो ऑडियंस अपने साथ अपने दिल में रखेगी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। फिल्म की कहानी और आपकी रियल कहानी दोनों एक जैसी लगती है, फिल्म में भी आप एक फिल्म बनाना चाहती हैं, हाँ, रियल में भी आप मुंबई में अभिनेत्री बनने एक्ट्रेस बनने आई, हाँ जी, तो इतने मतलब ज्यादा एक्टर्स के लगभग 2-3 हजार एक्टरों के बीच में आपको काम मिला है और आपने मौका पाया, अब आपका वो सपना साकार होता दिख रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए न्यूकमर्स के लिए, मुंबई में सपना रियल में साकार होता है? आई थिंक अगर आप बिलीव करते हो कि ये होना ही है मेरे साथ एंड कुछ भी हो जाए मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ एंड आई एम डेडिकेटेड टू इट विथ ऑल माई ऑनेस्टी, तो वो होना ही है, आज नहीं तो कल होना ही है एंड आई थिंक या दैट्स व्हाट टेक्स यू फॉरवर्ड। और कैसा लग रहा है अभी, इतनी एक्साइटमेंट है ही नहीं, इतना हमें निचोड़ दिया गया है, अगर ये जैसे हम 1 महीना शूट करते और 2 महीने बाद रिलीज होती तो हम बहुत उछल कूद कर रहे होते, लेकिन हमारे को ऋषभ सर ने निचोड़ दिया है, हमें को हमें परेशान कर दिया है, अभी हम चाह रहे हैं कि हम जल्द से जल्द अपने आप को देखें स्क्रीन पर। आई थिंक वो अभी भी कहीं ना कहीं मैं इनफैक्ट इनको उसी दिन बोल रही थी, हमारे फिल्म में डायलॉग है सच में हम भी दिखेंगे बड़े पर्दे पे, मैं उनसे वही कह रही थी। तो अभी तक इतना आई थिंक जब हमें हम अपने आप को देखेंगे तभी बिलीव हो पाएगा। और क्या जब ऑडिशन देके आई थी तो ऐसा लगा था कि आप स्क्रीन के लिए सिलेक्ट हो पाएंगे ऐसा कुछ? उसके बाद बहुत लंबे चौड़े वर्कशॉप्स चले थे तो तभी हमें लग रहे थे कि पता नहीं क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, बट आई थिंक आई वाज जस्ट ब्लेस्ड टू डू दिस एंड दैट्स आई एम थैंकफुल टू गॉड। ये मुझे जब एक्चुअली जब हमारी वर्कशॉप चल रही थी तो वहाँ पे मेरा ऑफिस था ओल्ड माड़ा में, जहाँ पे नीचे हमारा थिएटर था विजय सेन, वहाँ पे सारे 40 बच्चों की रोज सुबह से इनको 10 बजे से बुला के रात में 10 बजे तक इनकी रीडिंग्स करवा रहे हैं, स्क्रिप्ट की रीडिंग करवा रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे, और हर एक बंदा जब निकल के जाता है तो बाहर में खड़ा रहता है तो कई बार मुझसे पूछते थे सर नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा सर नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता था यस तुम ही कर रहे हो, रुक जाओ अभी, चले सर कब तक पता चल जाएगा मुझे घर पे बता रहे सर, मैंने कहा रुक जाओ अभी रुक जाओ। रोहित वहाँ पे मेरे ब्रदर का असिस्टेंट था और सारी जो वर्कशॉप जो लेता था वो यही लेता था, तो लोगों का आना जाना कैसे कौन किस टाइम पे आ रहा, और ये आके बताता सर ये नहीं आया ये नहीं आया,
अच्छा, इस टाइम मैंने रोहित को पूछा था तुम क्या करने आओ, तो उसने मुझे कहा था सर मैं एक्टर बनने आया हूँ, पर मैंने कहा कास्टिंग में क्यों, कि सर सीखने के लिए। उनका ठीक है, ये सबसे लास्ट बंदा था जिसको शूट के दो दिन पहले बताया था कि तुम एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। शूट स्टार्ट हुआ 11 अक्टूबर को एंड आई वाज फाइनलाइज्ड ऑन 6th ऑफ अक्टूबर, 4 दिन पहले मुझे पता चला मैं फिल्म कर और कोई नहीं, उसके बाद इसको सडनली घर पे बुलाया और बुला के रोहित एक जो कैरेक्टर जो है ना जिसका तूने है, इसको पूरे फिल्म के डायलॉग याद थे, पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट याद थी, इसको बोला कि सिर्फ एक लुक दे दे, अपना लुक टेस्ट दे दे, और लुक टेस्ट देने के बाद हमने सबसे 10 मिनट में ही कास्टिंग की थी फाइनल, 10 मिनट 15 मिनट में इसकी कास्टिंग फाइनल की थी। और जब हमें पता चला तो बोला ये कर रहे हैं, ये फिल्म करने वाला है, ऑडिशन लेने वाला। सारे के सारे बंदे उस टाइम वो हुए थे कि अच्छा अच्छा ये अच्छा अच्छा हमारी फिल्म में जो कैरेक्टर्स जो है, जैसे इसका जो इंडिविजुअल जो कैरेक्टर है, या जो चांदनी का जो कैरेक्टर है, या जो प्रीति का जो कैरेक्टर है, या एक लड़का रेहान उसका जो कैरेक्टर है, बेसिकली सारी चीज़ें क्या है कि एक एक कैरेक्टर जो है उन लोगों को डिफाइन करता है जो रियलिटी शोज जो 7 साल 8 साल पहले जिन्होंने रियलिटी शोज करके आए थे और जब टॉप 10 में थे, उसके बाद आज उन बंदों का पता नहीं है। जब रियलिटी शोज इतने टाइम चल रहा था सिंगिंग रियलिटी शोज टाइम, तो वो टॉप पे थे, पर आज उनका कोई पता नहीं है, आज वो बंदे कहाँ हैं किसी को उनकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो एक बंदा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रीति जो रिप्रेजेंट कर रही है वो है कि एक लड़की है, एक फीमेल डायरेक्टर है, और फीमेल डायरेक्टर को फिल्म बनाना है, तो कैसे कैसे प्रोड्यूसर्स से मिलती है, उसको क्या क्या बोला जाता है, क्योंकि वो एक लड़का होती एज अ डायरेक्टर आती तो बात एक अलग थी, पर वो एक लड़की और एज अ डायरेक्टर आ रही, राइटर भी आ रही, तो उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और स्ट्रगल उसका जब और बढ़ जाता है जब उसके पास पैसे नहीं है, इवन उसके पास घर का रेंट देने के पैसे नहीं है, तो उसका स्ट्रगल और बढ़ जाता है। चांदनी का जो कैरेक्टर है वो उनको रिप्रेजेंट करता है, जो बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऑडिशंस के लिए आते हैं जिनका डिक्शन ठीक नहीं होता, जिनको एक्टिंग नहीं आती, जो घर पे रहने के सामने या कोई थिएटर में छोटा सा जो स्टेज पे या स्कूल में परफॉर्म देते हैं, उसके बाद लोग उनको बोलते हैं कि यार तुम तो हीरो जैसे लग रहे हो, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जब मुंबई आते हैं तब पता चलता है भैया डिक्शन नाम की भी एक चिड़िया होती है, जो एक्टर बनने के लिए आपको करना पड़ता है, एक्सप्रेशन भी कुछ होते हैं। तो एनए के सामने घर पे खड़े होकर सारे शाहरुख खान के डायलॉग बोल के जो ट्रेन में बैठते हैं तो सोचते हैं अब जाके मैं सीधा यशराज में जाऊंगा और सीधा यशराज मुझे साइन करेगा, यहाँ के उनको हकीकत पता चलती है बेसिकली। इसलिए आधे बंदे यहाँ पे स्ट्रगल करने के बाद 80% लोग 2 साल 3 साल 4 साल में घर वापस लौट जाते हैं। तो फिल्म के आखिरी सवाल चलते चलते एक डायलॉग हो जाए जो जिसमें डिक्शन अब तक क्लियर नहीं है और अब क्लियर हो चुका है, पहले वाला होने के बाद वाला। ए तू जा कर के घर में इतना बड़ा बड़ा बर्तन मांज रही वरना हम तुम्हें निकाल देंगे। रघु सुन रहा है कि नहीं, इंटरव्यू में भी बर्तन मंजवा रही है, फिल्म में भी बर्तन और पोछा भी और सब, हमारा पूरा घर इन्होंने ही साफ सफाई, हमने इतने इतना बड़ा बड़ा काम करवाया इससे। My name is Melinda Michael. I am here in India with a lineup of a few different film projects that we'll be shooting. One with Jackie at the end of the table, and that he's directing and producing as well. Previously worked in television for a few different Netflix shows, CW Network, and excited to get on board with these projects now in Bollywood. मैंने काफी सारी फिल्में एड फिल्म और टीवी शोज किए हैं, शनि राधा कृष्ण और भी बहुत सारे, अभी भी मैं फिल्म कर रहा हूँ साबिर खान है डायरेक्टर, अभी भी मैं फिल्म कर रहा हूँ साबिर खान है डायरेक्टर जिन्होंने हीरोपंती बागी मुन्ना माइकल फिल्म की थी, उनकी नई लेटेस्ट फिल्म आ रही निकम्मा, वो भी कास्ट कर रहा हूँ।